देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देखिए, हम जो एसपी ऑफिस में जो ज्ञापन देने आए हैं एसपी साहब को, हमारी मांग है जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस संस्था के द्वारा, जिस संस्था के मालिक द्वारा हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, हमारे आराध्य पूरे देश भर में, विदेश में, यहाँ की आप देखो ना, विदेश में इस्कॉन टेम्पल जहाँ बनाए भगवान श्री कृष्ण को पूजन अर्चन करने वाले विदेशी मानसिकता के लोग आज भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन कर रहे हैं। पूरा देश भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी मना रहा था। और दूसरी ओर धर्म विरोधी व्यक्ति, हिंदू विरोधी व्यक्ति, सनातन विरोधी व्यक्ति ने हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी का चित्र केक पर अंकित किया और हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया। हमारी धार्मिक भावना आहत हुई है, उसको लेकर के हम पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, हमारे जो धार्मिक भावना आहत हुई है उनको लेकर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। कौन सा होटल था? परम रेस्टोरेंट का संचालक संत गुलाटी। किस तरीके से जो चिपकाया गया था, पोस्टर था, क्या था? पोस्टर ने केक पर बनाया गया था, वो केक जिसको बिना अंडे के नहीं बनाया जा सकता। और हम तो, अगर कोई व्यक्ति अगर अशुद्ध है, स्नान भी नहीं किया, वो मंदिर में प्रवेश वर्जित है उसके लिए। पर ऐसा व्यक्ति जो केक अंडे का मिला करके और केक पर बना रहा है, तो ये उसके मत कैसे हो गई? क्या मांग की आपने? क्या हमारी मांग है, उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध की जाए। अगर प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होगा तो हिंदू समाज स्वतः ही उसको संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करे। इनका एक आवेदन है जिसमें एक फ़ोटो इन्होंने बताई है, जिसमें एक रेस्टोरेंट है गोविंदपुरी में, उसने एक केक के ऊपर भगवान कृष्ण की फोटो टाइप बनाई है, तो उस पर आपत्ति दर्ज की गई और आवेदन अभी ले लिया गया, आगे कार्रवाई की जाएगी। कौन सा होटल है? परमपुर कॉम्प्लेक्स का बता रहे हैं, लेकिन इसको अभी थोड़ा जांच करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे।